अंबेडकर जयंती के मौके पर झज्जर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कुछ राजनीति ताकतें भाईचारा तोड़ने का काम कर रही हैं। अंबेडकर का नाम केवल जुमलों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने HSSC में सामने आई धांधली को लेकर अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताया, साथ ही जांच में मुख्यमंत्री की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रथ यात्रा पर सवाल खड़े किए और उनकी इस यात्रा पर सवाल खड़े करने वाले मंत्रियों पर भी निशाना साधा। बीजेपी के साथ जो गठबंधन का आरोप लगाया है वो इन्हें लोगों को लगाया है। तो वो ये जो नौकरियों का घोटाला आया, एक सब्जी मंडी में जैसे कि घिया इतने रुपए किलो और अपना प्याज इतने रुपए किलो और टमाटर इतने रुपए किलो और पुदीना फ्री, यहाँ कोई पुदीना नहीं था, यहाँ हर नौकरी का रेट लगा, जो इसमें पूरी हर नौकरी में सब्जियों की तरह एक मैं समझता हूँ कि भाई नौकरियों को एक रेट कार्ड आया और रेट शीट के आधार पे कि क्लर्क के 10 लाख और इतने, ये पूरे सारे तथ्य सामने आ चुके हैं। पहली बार इतना जो है इस तरीके का घोटाला सामने आया है। मैं समझता हूँ कि आज जो रथ रुका हुआ है हुड्डा साहब का, उस रथ के रुके हुए रथ पे इन लोगों को इतनी तकलीफ़ हो रही है, इनका इतना BP बढ़ा हुआ है, जब वो रथ निरंतर चलेगा तब इनके BP का क्या हाल होगा उसका अंदाज़ा लगाना मैं समझता हूँ आसान है। जो है जहाँ जहाँ जिस जिस मंडी में ये कमियाँ होंगी मैं स्वयं जाऊँगा, पूरे प्रदेश में जाऊँगा, जिस भी मंडी में कमी दिखाई देगी हम बात उठाएंगे, मगर इस सरकार से जो है किसान बहुत परेशान है और सरकार से के मैं समझता हूँ कि इच्छा शक्ति मुझे दिखाई नहीं देती।